नमस्कार स्टूडेंट, स्टूडेंट हम आपके क्वेश्चन डेली सॉल्व करते हैं, लेकिन आज हम आपके क्वेश्चन दे रहे हैं। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ये आपके लिए थोड़ा चैलेंज भी है। यदि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया तो विश्वास करिए हम आपको कुछ गिफ्ट देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं 9th से 12th तक के स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, नीचे व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा मैं आपको, उस व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजने की कोशिश करें, ठीक है। आज ट्राई करिए, आज आप इस काम को देखिए कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। यदि रियली सॉल्व कर दिया आपने तो यू आर वेरी जीनियस, ठीक है। और आपके लेवल का क्वेश्चन है ये, क्लियर बता दूं कि आपके लेवल का है। 10th लेवल 11th 12th 9th के बच्चे भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसे करने की जरूर कोशिश करें पूरी ताकत के साथ, लेकिन किसी टीचर से मत पूछिए। और हाँ, सॉल्यूशन को यूट्यूब पर देखने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि यूट्यूब पर सॉल्यूशन आपको मिलेगा नहीं, ठीक है ना। अनावश्यक अपना समय खराब करें, या किसी बुक में भी नहीं मिलेगा, राइट। तो किसी बुक में या यूट्यूब पर देखने की कोशिश न करें जिससे आप लोगों का समय खराब हो। मैं क्वेश्चन बता देता हूँ कि ये ए और बी इस सर्किल का कॉर्ड है, ठीक है। इस कॉर्ड का जो मिड पॉइंट है ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है 3.4 है, राइट। ये मिड पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ये मिड पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 3.4 है। ये सेंटर, सर्किल का सेंटर है जो ओरिजिन है। आप इसके कोऑर्डिनेट 0.0 मान सकते हो, ओरिजिन है, ठीक। और इस सर्किल की जो रेडियस है, आप कह सकते हो कि ये रेडियस है या आप ये रेडियस, ये जो रेडियस है आप इसको 8 यूनिट मान सकते हो, 8 यूनिट है ये। आपको बताना है कि एरिया ऑफ, ठीक है ना, एरिया ऑफ, ये क्या दे दें, ओ ए सी नाम दे देते हैं आपको। ये काइट बनना है ना ये, ठीक है ना, ये क्वाड्रिलेटरल जो बनना है, फाइंड द एरिया ऑफ, ये क्वाड्रिलेटरल जो बनेगा ओ ए सी बी, ठीक है ना। ये पूरा जो क्वाड्रिलेटर बनना है आपको, इसका एरिया बताना है मेरे को, ठीक है ना। ये क्वाड्रिलेटर क्रिएट होगा, आप इसे सॉल्व करने की जरूर कोशिश करें। मैं दोबारा बता दूं, ये कॉर्ड है, इसका मिड पॉइंट 3.4 है, ये जो है लाइन ए सी इस पॉइंट पर टेंजेंट है, टेंजेंट का मतलब होता है इस सर्किल को टच करके निकल रही है। ये जो लाइन है ये बी पॉइंट पर टेंजेंट है, ये भी क्लियर समझ रहे, ठीक है, टच करते हुए निकल रही है। ये भी लाइन टच करते हुए निकल रही है, ये भी लाइन टच करते हुए निकल रही है, और ये सी पॉइंट पर क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। तब एक तरह से क्वाड्रिलेटरल बनना है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि बताइए इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने की जरूर कोशिश करें। और आंसर को कॉपी, उसके आंसर का फोटो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर लिख देता हूँ, 9411990768। आप इस नंबर पर भेज सकते हैं। यदि आपने सॉल्व कर दिया तो विश्वास करिए मैं आपको कुछ दूंगा, ठीक है, जरूर सॉल्व करेंगे ना। और हाँ, ये बातें आप अपने फ्रेंड को भी भेजिए और देखिए कि वो सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, है ना। दिस इज चैलेंज फॉर यू। आप अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।